एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिस। गाइस कैसे हैं आप सब? सो बताइए आज मेरा ये नेल पेंट आपको कैसा लग रहा है। सो अगर आपको ये नेल पेंट अच्छा लग रहा है तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बिकॉज मैं इसी नेल पेंट का इसी रेंज का जो नेल पेंट है उसी का रिव्यू करने वाली हूँ। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जो स्टेक वर्की का मेटालिक लस्ट रेंज निकला है नेल पेंट्स में, उसी का एंड प्लस इसके मैं जो है शेड स्वेचेस भी आपको बताऊँगी, कैसे जो है लगते हैं ये नेल्स पे लगाने के बाद। सो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टेक वर्की ने अभी न्यू लॉन्च किया है मेटालिक लस्ट नेल पेंट, एंड जो है ये मैं फर्स्ट टाइम स्टेक वर्की का नेल पेंट ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने NYB ट्राई किया है नेल पेंट में, एंड प्लस मैंने पर्पल का भी नेल पेंट ट्राई किया है, दोनों भी बहुत अच्छे लगे। सो ये भी मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए, अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है। तो इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की रिसीव होती है, एंड स्टेक वर्की के सारे नेल पेंट्स इसी पैकेजिंग में आपको मिलने वाले हैं। सो इसमें शेड जो रेंज है वो बहुत सारी है, ऑलमोस्ट आपको 20 शेड्स मिल जाएंगे। कन्फ्यूज हो जाओगे, बोलते ना कन्फ्यूज आ जाओगे, आप चूज़ नहीं कर पाओगे। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी यार, इतने सारे कलर्स हैं। बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्वेचेस दिए हुए हैं, जो मॉडल नेल होती है उस पर अच्छे से लगा के बताया जाएगा कि आप है ना वो सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे पर्पल पे, तो ईजी रहेगा। तो मैंने जो शेड्स लिए गाइस, मैंने लिया है ब्लू, ब्लैक एंड रोज गोल्ड ये वाला, एंड नेक्स्ट मैंने लिया है रेड, एंड उसके बाद मैंने लिया है गोल्ड। सो गोल्ड में आपको 2 गोल्ड्स मिल जाएंगे, जो गोल्डन कलर है उसमें 2 गोल्ड है, कि ये है गोल्डन लस्ट एंड एक और है सनसेट गोल्डन, ऐसा कुछ है। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो मैंने देखा नहीं है। मुझे लेना था सिल्वर, बट सिल्वर उस टाइम मैंने जब लेना था तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, ऐसे मैंने वो नहीं लिया, बट मुझे सिल्वर भी चाहिए था। सो ये सारे कलर्स मैंने लिए हैं। इस नेल पेंट की प्राइस है ओनली 90 रुपीज़। अगर मेटालिक नेल पेंट देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगता है, बट इससे भी सस्ता आपको मिल जाएगा। मुझे ये मेटालिक नेल पेंट ओनली 45 रुपीज़ का मिला है, तो ये कितना कम है, आप सोच सकते हो चीपेस्ट प्राइस में आपको ये नेल पेंट निकला है। आप देख सकते हो मेटालिक आपको जो है यहाँ पे शाइन दिख रही होगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो मेटालिक आपको शेड मिल रहा है तो भी 45 रुपीज़ में, अगर आपको मैं 25-30% बोलूँ तो आपको 60 के अराउंड भी अगर मिल रहा है ना, तो गाइस सीरियसली ले लीजिए, बहुत अच्छा नेल पेंट है। इस नेल पेंट में आपको 6 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि सफिशियंट एक नेल पेंट के लिए। एंड ये नेल पेंट है क्वालिटी फ्री, SLS फ्री एंड SLES फ्री एंड टॉक्सिटी फ्री, जो हमारी नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये जो नेल पेंट है ये सिंगल स्ट्रोक में बहुत अच्छा एप्लीकेशन दे देता है, आपको सेकेंड कोट करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी, इतना अच्छा कलर पे ऑफ है इसका। वन स्ट्रोक में बहुत अच्छा पिगमेंटेशन देता है। लाइट कलर की अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको वैसा ही पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। मैंने 5 कलर खरीदे हैं तो 5 के 5 मुझे सेम ही लगे हैं। वन स्ट्रोक में अच्छा पिगमेंटेशन है, बट मुझे आदत है कि मैं 2 ही कोट करती हूँ ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चल जाए। एक स्ट्रोक करते हैं तो जल्दी रिमूव हो जाता है नेल पेंट, दैट्स वाई। बट इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन देता है। ये जो नेल पेंट है ये नॉन येलोइंग, अगर हम जब खाना वाना खाते हैं तो हमारे हैंड्स स्टेन लग जाती है, हल्दी वगैरह या मिर्च वगैरह की स्टेन लग जाती है, तेल का स्टेन लग जाता है, तो उसे क्या होता है ना, नेल पेंट येलो हो जाता है, या बहुत सारे नेल पेंट ऐसे होते हैं जो सेकंड डे में ही येलो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पड़े पड़े। बट इसके साथ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, खाना वाना खाइए, काम वाम कीजिए, आपका नेल पेंट दोनों नेल्स पे सिमिलर रहता है, तो उस हिसाब से ये नॉन येलोइंग है, एंड आराम से काम करो, बिंदास रहो। सो इसकी स्टेइंग पावर की बात करूँ तो अगर बहुत ज़्यादा काम वाम करते हो, पानी का हाथ बहुत ज़्यादा लगता है आपको, तो आपके जो ये नेल पेंट 4-5 days रहेगा। बट अगर आप कोई काम वाम नहीं करते हो, ज़्यादा पानी में हाथ नहीं जाता है आपका, बर्तन वगैरह नहीं धोने होते, तो आपका जो ये नेल पेंट है 6-7 days तक रहेगा। फोर डेज से ही साइड कॉर्नर से हटना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 7 days तक आपके नेल पेंट ऐसा लगेगा कि आप सोचोगे अब उतार देना चाहिए मुझे खुद को ही इसे, तो 7 days तक ईजीली रह जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट, ये नॉन क्लिपेबल नेल पेंट है, ये बिल्कुल क्लिप नहीं होते हैं। जब आप लोग जब काम वाम करते हैं या काम वाम करोगे तो साइड कॉर्नर से ये हटेगा, बट बीच में से एकदम एक्यूरेट रहता है, ये बिल्कुल भी क्लिप नहीं होता है। सो मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, तो चलिए फिर अब देख लेते हैं ये नेल्स पे कैसे लगते हैं। Thank you.
आज के लिए इतना ही। कैसे होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ही मेटालिक नेल पेंट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं शेक वर्की के, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको मेटालिक शेड मिल रहा है, जो कि आई नो बहुत सारे ब्रांड्स में अगर जाओगे आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, 150 के आसपास मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप लाइक 25% या 30% में भी लेते हो तो आपको 60 रुपीज़ के आसपास जो है ये नेल पेंट मिल जाता है। MRP तो इसकी 90 है, बट ये हमेशा आपको अफोर्डेबल प्राइस में ही मिलेगा बिकॉज इसमें बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हो एंड ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड या मैंने जितने भी शेड परचेज किए उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड और भी आपको कलर रेंजेस में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं पर्पल साइड पर जाके। आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको मेरा अच्छा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।